Hello everyone, welcome to Auxilium IS. Myself, Krishna Mukherjee, senior educator at Auxilium IS. So all of you are welcome. Today's topic is that how should study general study paper through different aspects of books for any competitive exams and undergraduate levels. So आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी न्यू फ्रेशर्स जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जो ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, सो एक आप सबके लिए एक न्यू वीडियो तैयार करके आपके सामने लाया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन के पैरेलल ये आपका गाइडलाइंस के तहत ये वीडियो में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जो बातें जो भी होंगी वो कॉम्पिटेटिव के पैरेलल आपके साथ चलते रहेंगे टिल द एग्जाम, जब तक आपका क्वालिफाई नहीं होता है तब तक. बट एक बेसिक इंट्रोडक्टिव एक नॉलेज जो आपको होना चाहिए बुक्स के रिगार्डिंग, सो वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कैसे बुक्स को पढ़ें, किन बुक्स को पढ़ना है और अप्रोचेस क्या होनी चाहिए. सो Auxilium IS एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इस चैनल के थ्रू कि जो नीडफुल बच्चे हैं जिनको दिल्ली या जो टॉप लेवल के जो सिटीज में जो प्रिपरेशंस जो होते हैं जनरल कंपटीशन स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बेस पे, सो जिन बच्चों को ये एक प्लेटफॉर्म वहां जाकर नहीं मिल पा रहा है, सो इस प्लेटफॉर्म से आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप यहाँ पर ज्वाइन करके आप उन सभी कोर्सेस का बेनिफिट उठा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट किए हुए. यहाँ पे आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, जबकि फुल क्लासेस के जैसे जो एक सेशंस होते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा दिल्ली मुखर्जी नगर के फैकल्टीज के द्वारा. इनफैक्ट मैं खुद दिल्ली के मुखर्जी नगर के फैकल्टी के रूप में एक पार्ट में अभी काम कर रहा हूँ. सो यहाँ पे आपको गाइडेंस और साथ ही साथ टाइम टू टाइम अपडेशंस और अलग अलग सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग आपको जो टॉपिक्स जो हैं जीएस का पेपर यहाँ पे मैं खुद डील कर रहा हूँ स्पेशली. सो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, तो आप यहाँ इस चैनल के साथ बने रहें. अगर आप सिंसियर हैं, सिंसियरिटी वे पे अगर आप अपने प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये मानकर चलिए ये आपके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म बनकर आपके सामने अब आया है. सो देर ना करते हुए अपने आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं. हाउ टू स्टडी जनरल साइंस पेपर और जनरल स्टडी पेपर, ये रेलवे के लिए भी, एसएससी के लिए भी, बैंकिंग के लिए भी, यूपीएससी एनपीसीएस एग्जाम के लिए, सभी के लिए ये एक अवेलेबल यहाँ पे होगा. जो भी हैं बच्चे जिस भी लेवल के एग्जामिनेशन को सोचकर यहाँ पर आए हैं, इस चैनल तक आप लोग जुड़े हैं, बेफिक्र हो जाए, आप जिस भी लेवल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सो जीएस का फुल आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको ये एक्सप्लेनेशन और गाइडेंस दिया जाएगा कि कैसे अप्रोच आपको लेना है स्टडी में. पहली बात, जीएस को ही यहाँ पे प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है और क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट इस पार्ट को हर समय एक दिया जा रहा है. पहली बात, ये जीएस जो पेपर है, आप किसी भी एग्जाम में जाएं, आप नॉर्मल से नॉर्मल आप डी लेवल के एग्जाम को आप अगर आप देने जाएं या आप टॉप लेवल क्लास वन ऑफिसर यूपीएससी के किसी भी एग्जाम्स को आप दें, एक चीज आप देखें, जीएस हर जगह एक मेन जीएस मैथमेटिक्स इंग्लिश रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये हर जगह आपको मिलने वाले हैं. लेकिन इन सभी से ज्यादा जीएस को प्रायोरिटी सबसे टॉप लेवल पे दी जाती है. क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कमीशन बोर्ड पैनल जो जॉब दे रहे हैं आप लोग को, उनका एक मकसद है, वो मैथमेटिशियंस नहीं चाहते, वे एक प्रॉपर हिस्टोरियन उनका डिमांड नहीं है, ज्योग्राफर से उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि एक जनरल आईक्यू बच्चों का रहे, जो
एक ग्रेजुएट लेवल पे जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उनका ग्रेजुएट लेवल पे एक माइंडसेट होना चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे दे रहे हैं, यूजी लेवल पे जो एग्जाम्स को फाइट कर रहे हैं, सो उनका उस लेवल तक माइंड डेवलप होना चाहिए, आईक्यू होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका आईक्यू उस लेवल तक होगा नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आपका नहीं होगा तो आपके सीट को कोई और लेकर चला जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा चीज है। अब यहाँ पे एक हमारे माइंड में स्टीरियोटाइप बना हुआ, बहुत समय से ये बना हुआ है और ये टाइम टू टाइम पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर हो रहा है कि जीएस के पेपर में आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को पढ़ लिए तो जीएस आपका मजबूत हो गया, जनरल साइंस में फिर अभी आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। और इसी के जैसे बहुत सारे स्टीरियोटाइप आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, विभिन्न तरीके के महानुभवी लोगों के मुंह से सुनने को आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, बच्चे फंसकर कंफ्यूजन एक ट्रैप मशीन में फंसकर वो रह जा रहे हैं कि करे तो करे क्या। तो इस जगह पे आपको एक सिंपल गुरु मंत्र जो दिया जा रहा है वो ये है। पहला, आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप भूल जाएं। फर्स्ट आप ये दिमाग से हटा दें कि आप किस लेवल के एग्जाम को तैयारी में आप जुट रहे हैं। आप सीधा सीधा आप प्रिपरेशन में पहले लगें, बेसिक फंडामेंटल को आप पहले मजबूत करें। उसके लिए क्या है, पहला चीज आप लोग अपने कॉपी को, पेन को, नोट कॉपी जो भी है पहले वो अपने सामने आप रखें। वीडियो को पॉज करके आप अपने जो नोटबुक है, नोटपैड है, उसको अभी आप अपने सामने रखें और ध्यान से अगले 5 मिनट तक जो भी इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे उसको पॉइंट टू पॉइंट आप नोट डाउन करें। क्योंकि देखिए प्रेजेंटेशन में मैं आपको एक लिमिटेड सोर्स यहाँ पे दिखा सकता हूँ और यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ और जो हर जगह दिखाया जा रहा है, लेकिन एक बात इस चैनल में स्पेशली इन द गाइडेंसशिप ऑफ माइसेल्फ हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, इस जगह पे आपको मैं सिर्फ लिमिटेड सोर्स तक बांध कर नहीं रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा फुल टारगेट है कि वो सब कुछ जो आपको एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में रिक्वायरमेंट है वो सब चीज आपको बिगिनिंग लेवल पे जानना जरूरी है और जानना चाहिए। सो आप रेडी हो जाए बुक्स कॉपी को, नोटबुक को लेकर, पेन को लेकर, और वहां पे जो एक्स्ट्रा जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करना शुरू करें। फर्स्ट, जीएस के प्रिपरेशन जो हम लोग शुरू करते हैं तो किस लेवल पे करें, सामान्य सी बात है, अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स आर्ट एंड कल्चर एनवायरमेंट इन सभी सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, कुछ नहीं करिए, चुपचाप से पहले एक सब्जेक्ट को आप उठाएं। जैसे मान के चलिए हिस्ट्री को आप उठाएं, हिस्ट्री का फुल एनसीईआरटी को आपको हर कोई बोलता है, आप कहीं भी जाए तो आपको हर एक के मुंह से सुनने को मिलेगा फुल एनसीईआरटी को आपको कवर अप करना है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी फुल करना है तो कैसे करना है, और एनसीईआरटी अगर पढ़ना इतना आसान अगर रहता तब फिर बातें क्या थी, सब हर घर में सरकारी नौकरी के बच्चे देखने को मिलते और हर घर में आईएएस और पीसीएस वाले बच्चे देखने को मिलते, लेकिन ऐसा है नहीं। एनसीईआरटी कहा जाता है कि एक इतना हाई डोज का वो मटेरियल है जो जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल वाली बात है, तो फिर एनसीईआरटी को डील कैसे करें। इसका भी समाधान इस जगह पे आपको निकाला गया है। यहाँ पे स्पेशल जो एक्सपर्ट जो है उन सभी और स्पेशली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जीएस के जो पार्ट है उसको मैं गाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे जितने भी पार्ट है उनके वीडियो सेशंस आपको जो मिल रहे हैं वो फुल एनसीईआरटी बेस्ड पे भी हैं। तो इन चीजों को आप कोर्स जो है अलग अलग प्लेलिस्ट में आप जाएं, आप विजिट करें, टाइम टू टाइम अलग अलग वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, आप लोग पूरे फुल कोर्स का आप लोग अभी इंट्रोडक्शन यहाँ से सुनने के बाद वहां पर जाकर आप उस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। और इनफैक्ट ये बात मानकर आपको चलना पड़ेगा, उस कोर्स को अगर आप पूरा समझते हैं और आपको पसंद आता है तो उस चीज के आधार पे आपको आगे 80-90% आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसी जगह पे हो जाएगा। ये मैं आपको ये अभी कह रहा हूं और इस चीज को आप नोट डाउन कर ले ये भी बात। हिस्ट्री की जहां तक बात है एनसीईआरटी आपको करना है, ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी, पॉलिटिक के लिए भी एनसीईआरटी, सभी चीज के लिए एनसीईआरटी करना है। आप इस वाले कॉलम को अभी एकदम ना देखें, आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप 12th पास किए हैं, ग्रेजुएट आपका ग्रेजुएशन अगर आपका अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, सिंपल 12th आप हैं तो आप सरकारी नौकरी के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी कमीशन के, क्या करें, जीएस के लिए क्या करें। आप अभी इस वाले कॉलम की अगर आप बात करें, चुपचाप से जितने भी यहाँ पे चैप्टर सब्जेक्ट्स के नाम है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स आर्ट एंड कल्चर एंड एनवायरमेंट, इन सभी के एनसीईआरटी को पढ़े। अब सवाल है एनसीईआरटी को पढ़े 6-12, हर सेक्शन में आप देखिए 6-12 हर जगह लिखा हुआ है 6-12,
और साथ ही साथ यहाँ पे प्लस मैं ये बात को भी यहाँ मेंशन किया हूँ, वीडियो सेशन को देखे जो यहाँ पे ऑक्सिली माइंस के चैनल पे अपलोड हो रहा है, सभी सब्जेक्ट के टाइम टू टाइम अपलोड होंगे, स्पेशली उन चीजों को मेरे द्वारा ही अपलोड किया जाएगा, उन चीजों को आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें बाकियों को भी सर्किल के बीच में। सो वीडियो सेशन को भी आप देखें। लेकिन अब सवाल है कि फुल एनसीईआरटी को अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे आपको वो गाइडेंस, अगर आप वीडियो सेशन को आप देखते हैं तो आपको फुल एनसीईआरटी पढ़ने का भी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये साफ आपको कह दे रहा हूँ। मतलब आपका 50% काम तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपको उसको दे दिया जाएगा, 50% काम यहाँ पे मैं खुद कर दूंगा और आप बाकी जो अपना प्रिपरेशन जो कर रहे। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी आप अगर कोचिंग क्लासेस में भी जाते हैं या आप इस जगह पे आप स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये बाकी जो साइट्स हैं ऑनलाइन मीडिया साइट्स की जैसा इस चैनल को हम लोग क्रिएट नहीं किए, यहाँ पे मेन मोटिव है इफेक्टिव रिजल्ट को तैयार करना। तो हमारे इन चीजों को एक मेन जरिया के रूप में लाने के लिए हमारा मेन मकसद ये है कि किस तरीके से आपके काम को शॉर्ट करना है और रिजल्ट को पहले लाना है, काम को शॉर्ट करते हुए रिजल्ट को जल्द से जल्द लाना। तो उस चीज के लिए पहला चीज है 50% काम यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस आपको टॉपिक के साथ साथ दिया जाएगा उसके साथ साथ आपको खुद का भी मेहनत अप्रोचेस और डायमेंशनली माइंडसेट आपको डेवलप करना है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि 6th to 12th के जो हिस्ट्री को जो पढ़ने हैं, अगर आप वीडियो सेशन जैसे अभी आप जनरल साइंस के रेलवे SSC वाले प्लेलिस्ट में अगर आप जाएं तो वहां पे आपको जो हिस्ट्री के लेक्चर शुरू हो चुके, एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर शुरू हो चुके। सो हिस्ट्री में क्या है, तीन पार्ट है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। अगर हिस्ट्री की पहले हिस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो हिस्ट्री में एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न है, तीन पार्ट है। एंशियंट का कोर्स शुरू हो चुका है, एंशियंट खत्म होगा, अभी एंशियंट का इंडस वैली सिविलाइजेशन लेक्चर चल रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक। आपको कोई टेंशन होने का जरूरत नहीं है, सभी सब्जेक्ट सभी टॉपिक्स का 1x1 सेशन चलेगा। सो हिस्ट्री का एंशियंट के सभी टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर मिडाइवल के शुरू होंगे, मिडाइवल के खत्म हो जाएंगे, फिर मॉडर्न के शुरू होंगे। जब फुल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो आपका एक नोट्स फुल प्रिपेयर हो जाएगा, आप उसको पढ़कर एक गाइड आपको पूरा मिल जाएगा कि हमें आगे अपने स्टेप को कैसे कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है अलग अलग एग्जाम में। ज्योग्राफी में भी सेम यही चीज होगा, पॉलिटी में भी सेम यही, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी में हम अलग डायमेंशनल वर्ल्ड की भी बात करेंगे, इंडिया की भी बात करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करेंगे वर्ल्ड और इंडिया को जोड़कर। पॉलिटी फुल आपका बेस के साथ यहाँ शुरू होगा। बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम देने बैठते हैं उन्हें संविधान का अर्थ पूर्ण रूप से नहीं पता है, और संविधान के मतलब अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जटिल क्वेश्चन आ रहे हैं जो समझना उनके लिए बहुत दूर की बात होती है। सो सबसे पहले संविधान और ये बेसिक जो है, बेसिक कोर जो कंसेप्ट है वो पहले आपका सुधारा जाएगा, और ये चीज अगर सुधर गया तो आपको फिर आगे ग्रेजुएट लेवल के किसी भी एग्जाम को आप इजी वे में फाइट कर सकते हो। ये मेरा मतलब रिटेन चैलेंज मैं आपको ये दे रहा हूं। इकोनॉमिक्स की अगर बात कर रहे हैं 6th to 12th, यहाँ पे सेम चीज है। 6th to 12th में तो 6 में तो इकोनॉमिक्स नहीं है, लेकिन 6 से लेकर 9th से पहले 6, 7, 8 में इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं जो ज्योग्राफी में इंक्लूड रहा है। सो जैसे इंडस्ट्रीज के कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, रिसोर्सेज के कुछ टॉपिक्स स्टैंडर्ड 8 में देखने को मिलेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो हमें पढ़ना है। क्योंकि वो अगर आपको नहीं पता है, अगर इकोनॉमिक्स का अगर अल्फाबेट अगर आपको नहीं पता, अक्षर नहीं पता, आप आगे जाकर किस क्या आप 11th 12th की इकोनॉमिक्स को आप डील कर पाओगे। सो ये चीज है, वो भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। थर्ड है आर्ट एंड कल्चर। ये सबसे बड़ी बात है कि 6 से लेकर 10 तक आर्ट एंड कल्चर का तो कोई एनसीईआरटी किताब ही नहीं है, ना हमें स्कूल में कभी पढ़ाया गया है, ना हम लोग कभी पढ़ते हैं, लेकिन इससे सीधा सीधा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस पॉइंट से क्वेश्चन उठते हैं, और बच्चों को ना पता होने के कारण यहाँ पे बच्चे फिर सोचते हैं कि हिस्ट्री तो पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हिस्ट्री का ही मतलब एक छोटा भाई ये आर्ट एंड कल्चर है, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन इसका ज्यादा डिस्कशन हमारे बुक्स में नहीं होता, और इसके अंदर से डीपली क्वेश्चंस उठाकर देते हैं। आज तो यूपीएससी के रास्ते पे बाकी सब भी एग्जाम चलने शुरू कर दिए, तो ये सबसे बड़ा एक दिक्कत की बात हम सभी के लिए। लास्ट है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट अगर आप ये समझते हैं ईवीएस का जो आप लोग जो बुक 7th 8th में पढ़कर आए हैं वो एनवायरमेंट, तो यहाँ पे जवाब है हाँ,
वही एनवायरमेंट, लेकिन लेवल अपना उससे ऊपर रहता है। एनवायरमेंट हमें, एनवायरमेंट के पेपर्स को हमें पढ़ने का लेवल को थोड़ा ऊपर रखना है, और इसमें स्पेशली आप न्यूज से जुड़े, करेंट न्यूज इवेंट से आप जुड़े, मैगजीन को पढ़ें। आप एनवायरमेंट वाले सेक्शंस को, इसकी कोई स्पेशल बुक नहीं होती है, आप किसी भी अन्य जगह पे आप देखें, अगर बाकी लोगों से अगर आपके मुंह से सुनने को मिलेगा विभिन्न नाम के बुक्स, लेकिन मैं आपको साफ साफ एक बात कह दे रहा हूं, अगर अगर आपको ज्ञानी बनना है, अगर आपको विद्वान बनना है, सो आप एक बात दिमाग में बैठा लें, आप एग्जाम को नहीं निकाल सकते, सरकारी नौकरी आपका शायद इस जन्म में तो शायद कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं कटु शब्द में ये कह रहा हूँ, क्योंकि इस जगह पे करियर के ओरिएंटेशन के आधार पे सारा काम हो रहा है, उस आधार पे ही काम होता रहेगा। तो यहाँ पे कुछ बातें ऐसे हैं जो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, और ये कड़वे भी है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो है बात, आपको अभी शायद अभी तकलीफ भी होगा सुनने में, लेकिन जो सच है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सो एनवायरमेंट को लेकर आपको एक चीज समझना है, कोई भी स्पेशल बुक नहीं है, आपको इस जगह पे स्पेशली फोकस करना है न्यूज के ऊपर। न्यूज के अलावा मैगजीन्स जितने भी आते हैं उस मैगजीन के ऊपर फोकस करें। सो यही आपका एक आसान सा रास्ता आपके सामने है। अब सवाल है कौन से मैगजीन, कौन से न्यूज, उसके बहुत सारे डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे। जब आप मार्केट में जाते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मैगजीन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ रहे हो, या कोई भी आप मैगजीन को आप फॉलो करते हो, तो उसमें एनवायरमेंट के कॉलम्स आपको देखने को मिलते हैं। सो उस चीज को आप पढ़ो, उससे रिलेटेड आप नए नए जो आपके डिस्कवरी हो रहे हैं, या पॉल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड नए जो क्राइसिस जो आपको देखने को मिलते हैं टाइम टू टाइम ग्लोबली प्लस नेशनल लेवल पे, उसको आप स्टडी करो। बस आसानी से आपका ये पेपर क्लियर होगा। लेकिन इसके लिए अगर आप, और अगर आपको घर में अगर आप हजारों किताब के बल्क आप पोथा अगर जमा कर रख देते हो, और आप सोचते हो कि कल एग्जाम आपका क्लियर हो जाने वाला है, तो ये तो शायद आप अपने आप को ही धोखा देने का काम कर रहे हो। कम कहने की बात यह है, निम्न स्तर के आधार पे भी या निम्न वस्तु के आधार पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। करने का सही तरीका, सही रंग रूप और जज्बा होना चाहिए, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। ये तो रहा एक 12th लेवल के आधार पे, आप यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया गया है। लेकिन अब ग्रेजुएट लेवल की अगर बात है, कॉम्पिटिटिव लेवल की बात है, यहाँ पे खेल पूरा पलट जाता है। लेकिन इसका संबंध इससे पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। अब कैसे, जो बच्चे अभी जो मैंने सारी बात इस सेक्शन के लिए यूजी लेवल के लिए मैंने जो डिस्कस किया, अगर अपने आप आधार को, आप लोग एक सामान्य सी बात करो, आपके घर जब बन रहे हो, या आपके पड़ोसी का घर बन रहा हो, या आपके परिवार में किसी का भी घर कहीं बन रहा हो, आप खड़े होकर देखे हैं तो मजदूर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बुनियाद को जितना तह तक हो सकता है खोद कर बुनियाद को वहां पे नींव रखने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आधार तो यही है कि जितना तह तक बुनियाद रहेगा, सक्सेस उतना ऊपर तक जाएगा। सिर्फ यही चीज आपको यहाँ पे देखना है। इस जगह पे अगर आप बुनियाद अपना 12th के लेवल पे अगर 3 साल आप बना लेते हो, हजारों लोग, हम तो कहते हैं हजारों लोग, लाखों लोग, इनफैक्ट लाखों क्यों, भारत का आबादी करोड़ों से ऊपर है, उन करोड़ों लोगों की अगर बात करें तो सबके जवान पे तो यही रहता है कि यूपीएससी का एग्जाम करना है। अगर बहुतों का सपना होता, सपना किसका नहीं होता आईएएस बनने का, लेकिन अगर आईएएस बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद करना है, ग्रेजुएशन के बाद सोचना है। ये मैं कहता हूं, मतलब इसे कंडेम करता हूं कि इस जगह पे ये सोच काम नहीं करने वाला है। अगर आपको इस लेवल पे जाना है, यूपीएससी लेवल, पीसीएस लेवल के आधार पे अगर आपको जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि आप 12th के बाद अपने बेस को बनाना शुरू कर दें और लग जाएं अपने प्रिपरेशन में। अगर 3 साल में अगर आप अपने प्रिपरेशन को, इनफैक्ट जो जुनूनी बच्चे होते हैं वे तो 1 साल में ही अपने इस पूरे प्रिपरेशन को मजबूत कर लेते हैं, और चाहे तो क्या नहीं हो, लेकिन अगर आप 1 ईयर में भी, अगर अपने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी आप इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हो, बेस को स्ट्रांग कर लेते हो, जीएस के सभी पेपर को, आप सेकंड और थर्ड ईयर में आप ग्रेजुएशन लेवल की आप प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके एक गाइडेंस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उस चीज को आप समझें, इसे भी आप नोट डाउन करें अलग से कॉपी में। तो ग्रेजुएट लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्या है, यहाँ पे अगर आप फुल एनसीईआरटी अगर आप पढ़े हैं बेस में, बेसिक के आधार पे, सो वो फुल एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है। फिर से अगर आप पढ़ चुके हो तो रिवाइज आप एक बार कर लो, और ओल्ड एनसीईआरटी 11th 12th का आपको पढ़ना है। अब ओल्ड एनसीईआरटी जो बहुत
बच्चे ऐसे हैं उन्हें ये नहीं पता न्यू और ओल्ड वाला जो एक इशू है ये क्या है। 11th और 12th का ओल्ड एनसीईआरटी का मतलब है वो बुक जो 2005 से पहले चलता हो जिसको भारत सरकार ने बंद कर दिया, उसके बाद न्यू करिकुलम 2005 के बाद इशू हुआ और वो अब तक चला आ रहा है। तो 2005 के पहले का जो 11th 12th का जो बुक था जो बंद हो चुका है उसको आपको पढ़ना है। सो 11th 12th के बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा के लिखे हुए जो दो किताब है आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल है, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा खर्चा करना सबसे मेन प्रायोरिटी है, विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। और कभी भी किसी भी काम में लो इन्वेस्टमेंट करके आप सक्सेस को जितना पा सकते हो उतना आप पाओ। अगला चीज है फुल एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी का है, आपको फुल एनसीईआरटी पढ़ना है न्यू का भी 11th 12th। अगर आप फुल एनसीईआरटी 11th 12th का ज्योग्राफी आप बेसिक लेवल पे ही क्लियर कर चुके हो तो आप एक्स्ट्रा एक बुक, बहुत बच्चे बोलते हैं कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे भी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एनसीईआरटी इनफ है बट कहीं ना कहीं जैसा कंपटीशन टाइम टू टाइम डेली बढ़ रहा है ये एनसीईआरटी भी अब काम नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब इनोवेशन की बात आ जाती है। ठीक है, डायमेंशनली टॉपिक्स को अगर हम देखें तो यहाँ इनोवेशन सबसे बड़ा चीज है। सो कुछ अगर एक्स्ट्रा बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जीसी लियोंग की आप किताब पढ़ सकते हैं, पीडीएफ तो शायद इसका मिलना मुश्किल है, आप इसको परचेस कर सकते हैं मार्केट या ऑनलाइन किसी भी मीडियम से। पॉलिटी की अगर बात करें, बेस अगर आपका 6th to 12th का प्योरली अगर आपका मजबूत है तो एनसीईआरटी का एक बार आप ग्रेजुएट लेवल के इस प्रिपरेशन में रिवाइज करें और इसके बाद आंख बंद करके आप प्रिपरेशन में लग जाएं एम लक्ष्मीकांत की किताब को लेकर। उसमें पॉलिटी से जुड़ा हुआ ये मतलब बेसिक लेवल है। आप लोग बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि जिसको मैथ्स पढ़ने आता नहीं है और एनसीईआरटी के मैथ्स समझ में नहीं आते, अगर वे आरएस अग्रवाल के मैथ्स के बुक को अगर पढ़ते हैं और बनाते हैं एक बात तो क्लियर है कि उस बुक में इतने मतलब रूट लेवल के क्वेश्चंस और समझाए हुए अलग अलग तरीके हैं कि जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके में मन में एक इंटरेस्ट जग जाता है। सेम यही चीज, क्योंकि पॉलिटी बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है तो इस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को इजी बनाने का सबसे बेहतर काम ये एम लक्ष्मीकांत बुक करता है। एम लक्ष्मीकांत जब आप पूरा बुक कंप्लीट कर लोगे, इसका भी अच्छा बुक कंप्लीट करना है कैसे करना है वो भी यहाँ पे सभी डिस्कशन होंगे, ये सभी के वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे। आपको बुक अगर नहीं भी खरीदना चाहो आप यहाँ से जुड़े हुए रहो, सब वीडियोस आपको मिलेंगे। सुभाष कश्यप की बुक पढ़ सकते हो, आवर पार्लियामेंट, पीएम बख्शी का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तीन बुक है, ज्ञानी बनना है आप तीनों पढ़ो कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना चाहते हो एनसीईआरटी एंड एम लक्ष्मीकांत इज सो इनफ फॉर यू। इकोनॉमिक्स में फुल एनसीईआरटी पढ़ना है, 11th 12th का स्पेशली अच्छे ध्यान से पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से आपको कमांड बनाना है, 10th के लेवल के बेस को आपको मजबूत बनाना है। आपको ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, उसमें अलग अलग जो टॉपिक है जीडीपी को लेकर, एफडीआई को लेकर, इंडेक्स को लेकर, अलग अलग छोटे छोटे टर्म्स जो 10th लेवल में है, तो उन सभी चीजों को हमें 10th लेवल में बेस अगर यहाँ पे अगर आप बना बना लेते हो और 11th 12th का थोड़ा रिवाइज कर लेते हो फिर आप रमेश सिंह के आप बुक को स्टडी कर सकते हो। इसके भी सेम वीडियोस अपलोड यहाँ इस चैनल पे आपको यूपीएससी वाले स्ट्रीम में प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर, सो आर्ट एंड कल्चर ये एनसीईआरटी के लिए तो अगर यहाँ पे तो बता दिया गया है, ये हिस्ट्री के बुक में आर्ट एंड कल्चर हमें 6th to 12th में स्पेशली लिखा हुआ तो नहीं रहता है कि ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है हिस्ट्री की किताब में, ये मिक्सअप होता है। लेकिन ये आर्ट एंड कल्चर का 11th और 12th में एक पार्ट है, एक अलग से बुक है, उसको आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा नितिन सिंघानिया, मैक्रो हिल्स कंपनी एक है पब्लिकेशन, उस पब्लिकेशन में राइटर है नितिन सिंघानिया, उनकी किताब को आप पढ़ सकते हो, बेस्ट एंड बेस्ट बुक है आर्ट एंड कल्चर के लिए, सफिशियंट है। इसके अलावा आपको अपना तो थोड़ा इनोवेशन तरीका अपनाना ही है, साथ ही साथ एनवायरमेंट के लिए एनसीईआरटी के जितने भी पार्ट हैं, अब एनसीईआरटी के पार्ट ही कितने, एनवायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी आपको जूनियर लेवल के जो भी बुक्स मिल जाते हैं उसको आप पढ़ें और स्पेशल फोकस करें करेंट अफेयर्स पे, जो भी करेंट अफेयर्स आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसी बात जो आपको कहीं भी देखने और सुनने को नहीं मिलेगी, एनवायरमेंट को अगर आपको मजबूत करना है तो 12th के बायोलॉजी, 12th क्लास के बायोलॉजी के लास्ट 6 चैप्टर को आप पढ़ ले, मैं लिख कर कह रहा हूँ, उस पार्ट से ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम इतने इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आप सोच तक नहीं सकते हो। सो 12th के बायोलॉजी के लास्ट 6 चैप्टर्स को पढ़ना आपको पड़ेगा और ये आप खोज लें
शायद इंटरनेट में भी आपको नहीं मिलने वाला है इन सभी बातें, क्योंकि देखिए ये सब रिसर्च करके यहाँ पे आपके सामने लाया जाता है। क्वेश्चन पेपर को रिसर्च करके लाना पड़ता है कि कौन बुक अभी के टाइम में रेलिवेंट है, कि किन बुक को, यहाँ पे है तो बहुत सारे बुक्स, यहाँ पे अगर उन सभी का कंटेंट अगर करना शुरू करें तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स और रो बन जाएंगे, और वो अगर आप देखोगे तो शायद अभी आप इस वीडियो को लीव करके आप हट जाओगे और माइंड में प्रेशर आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे मेन काम है आपको इजी वे में आपको एक इफेक्टिव तरीका बताना, जिससे आप अपने काम को भी शुरू कर पाओ, काम कंप्लीट भी टाइम पे हो पाए और रिजल्ट आपके टाइम, मतलब जो टाइम टेकन जो आप अपना शेड्यूल बनाए हो उसके आधार पे वो रिजल्ट आपके हाथ पे हो। सो ये बुक के बारे में पूरा डिस्कशन था। सो यहाँ तक तो हमें ये पता चल गया किस लेवल में किस तरीके से हमें अपने तैयारी को करना है, ये भी हमें पता चल गया। लेकिन अब जब आप जुड़े हुए हमारे साथ, अलग अलग सेशंस जो चल रहे हैं शुरू हो रहे हैं, आप अपने सपोर्ट्स को दिखाओ, क्योंकि साफ सीधी बात है आप ये चीज देखो, यहाँ पे हमारा मेन मकसद है जितने भी बेटर इफेक्टिव स्टूडेंट है उन्हें अपब्रिंगिंग करना, उन्हें ऊपर तक लाना। लेकिन यहाँ पे हमारा मोटिव सिर्फ एक चीज ये नहीं है, हमें चाहिए आपका सपोर्ट, क्योंकि विदाउट सपोर्ट हमारे अंदर इंस्पिरेशन, क्योंकि हम भी इंसान है, हमें भी ये बहुत ही सही लगता है और खुशी होती है कि जब हम कोई डिवोशन, ट्रूली डिवोशन होकर अगर आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपका सपोर्ट, आपका एक जो इफेक्टिव जो हमें जो मोटिवेशन है वो किस तरीके से मिलता है। तो ये एक बात है जो अभी मैंने डिलीवर किया। अगर ये चीज अगर आपको सही लगता है और इससे रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में आप जुड़ सकते हैं। अगर जीमेल से अगर आप हमें जुड़ना चाहते हैं तो उसका ईमेल आईडी है auxiliumis410@gmail.com। इंस्टाग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं @auxilium410। फेसबुक में भी आप जुड़ सकते हैं, उसके सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड लास्ट एंड द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो ये है, इस चीज को टाइम टू टाइम आप अपने माइंड में मेमोराइज करें और देखते रहें, क्योंकि सिलेबस बुक्स से रिलेटेड बहुत बार इश्यूज सामने आते हैं। ये अगर एक बार अगर आप समझ कर इसको अपने नोटबुक में लिख रहे तो उसके अलावा आपको कोई इशू होंगे नहीं। सो एट लास्ट, अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगता है आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी अगर आपको कमेंट देना है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो कमेंट सेक्शन में आप फ्रीक्वेंटली आप पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। सो टिल देन गुड बाय।